नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। युवाओं का नग्न प्रदर्शन, शराब घोटाला, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही जारी है। प्रश्नकाल के दौरान युवाओं का नग्न प्रदर्शन, शराब घोटाला, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के सवाल पर लगभग 33 मिनट तक बहस चली। इधर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को सदन अच्छे से चलने देने की अपील की है। सदन की शुरुआत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए मंत्री मोहन मरकाम का सदन से परिचय कराया और मंत्रियों के विभाग परिवर्तन की भी जानकारी दी गई। सरकार आज 3,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। मानसून सत्र के दूसरे दिन शराब से जुड़े मामले सदन में गूंजे। जहरीली शराब, शराब पर टैक्स, शराब बंदी जैसे कई सवाल विपक्ष ने किए हैं। इसके अलावा विधानसभा रोड में SC/ST युवाओं के नग्न प्रदर्शन का मामला भी उठा है। सरकार पक्ष से सही जवाब नहीं मिलने पर सदन में जमकर हंगामा करते हुए विपक्ष ने नारेबाजी की है। विधानसभा रोड में SC/ST युवाओं के नग्न प्रदर्शन का मामला विधानसभा में उठा, किसने क्या कहा है? शिवरतन शर्मा बोले, इस घटना से पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। ये स्थिति निर्मित क्यों है, ये बड़ा सवाल है। शिव कुमार दहरिया ने कहा, ये आप लोगों का ही पाप है। इस मुद्दे पर भाजपा के सदस्यों ने सरकार पर जमकर हमला किया। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा, इस मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के बजाय युवकों पर कार्रवाई की जा रही है।